गैस 2014 में एक बड़ी ही ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम इंटरस्टेलर था। और इस मूवी में स्पेस से रिलेटेड चीजों को बड़े ही एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। और इस मूवी में एक सीन था जब इस मूवी के लीड कैरेक्टर कूपर अपने स्पेस क्राफ्ट को लेकर एक ब्लैक होल में गिरने लगते हैं, और इस ब्लैक होल का मूवी में नाम गर्गेंटुआ था। और जब कूपर इस ब्लैक होल में अंदर गिर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में इनके आसपास सब कुछ एकदम ब्लैक होता है और इन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता है। और जैसे जैसे यह नीचे गिरते जाते हैं तो इन्हें कुछ पार्टिकल दिखाई देने लगते हैं, और यह पार्टिकल इनके स्पेस क्राफ्ट से टकराने लगते हैं। और इन पार्टिकल के टकराने की वजह से चिंगारियां होने लगती हैं, और देखते ही देखते इनके स्पेस क्राफ्ट में आग लग जाती है और यह स्पेस क्राफ्ट से निकल कर कूद जाते हैं और धीरे धीरे ब्लैक होल में गिरने लगते हैं। और फिर यह अपने आप को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं जहाँ पर यह अपने पास से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का यूज करके। और यह सब सुनकर आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि क्या यह सब पॉसिबल है, क्या सच में एक ब्लैक होल में ऐसा कुछ होता है, और अगर हम एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। गाइस आइए जानते हैं हम इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या है। तो अगर हम ब्लैक होल की हिस्ट्री देखें तो आज से 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से हमें बाद में ब्लैक होल का पता चल पाया। जिस थ्योरी में यह लिखा था कि स्पीड से टाइम का डायलेशन होता है, मतलब आप अगर किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा उन लोगों के कंपैरिजन में जो अर्थ पर ही हैं। और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी यह बताया गया था कि ग्रेविटी की वजह से भी टाइम डायलेशन होता है, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगा, और इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। और इस सीन को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था जब कूपर और उनके कंपेनियन एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, और इस प्लैनेट पर एक घंटा उनके लिए अर्थ पर 7 सालों के बराबर होता है। और ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है क्योंकि यह प्लैनेट गर्गेंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काफी प्रभाव डालता है। और आइंस्टीन ने भी इस चीज को एक एग्जांपल से बताया था कि एक तरह का स्पेस मैश इमेजिन करो जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, और जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास है वो इस स्पेस मैश को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा, और जब यह मैश बेंड होगा तो न सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे बल्कि टाइम का भी डायलेशन होता है, और जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि हीट, साउंड, लाइट, इन पर भी ग्रेविटी का असर पड़ता है, और यह भी ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और ग्रेविटी का इम्पैक्ट हर चीज पर देखा जा सकता है। और यहीं से ब्लैक होल की रियलिटी भी निकल कर सामने आई, क्योंकि आइंस्टीन का मानना था कि अगर ग्रेविटी का इम्पैक्ट हर चीज पर है तो इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वहां से लाइट भी बचकर निकल नहीं सकती है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल का नाम दिया गया। और इंसान को पहली बार पता चल पाया कि ब्लैक होल जैसी चीज भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और ब्लैक होल सुनकर हमें लगता है कि कोई होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गैलेक्सी में स्टार के कोलैप्स से ही एक ब्लैक होल बनता है, और हमारा सूरज भी एक स्टार है। और 10 अप्रैल 2019 में पहली बार ब्लैक होल की फोटो क्लिक की गई थी जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और यह ब्लैक होल थोड़ा ब्लर दिख रहा है बट ब्लैक होल रियल में ऐसा ही दिखता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से बहुत टाइप का गैसियस मैटर और पार्टिकल ब्लैक होल की तरफ आकर्षित होते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे हमारे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। बट एक ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो चीज इसके आसपास घूमती है इतनी तेजी से घूमने लगती है कि हीट होकर आग के पार्टिकल बन जाती है जिनका टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, और यह पार्टिकल एक दूसरे में रब होते हैं और ग्लो करने लगते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लगती है जो कि एक्सरे होती है। और ब्लैक होल की जो लास्ट बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर बढ़ जाता है कि लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती है, और यहाँ सब कुछ ब्लैक नजर आता है, और अगर कोई इंसान यहाँ पर पहुंच जाए तो उसकी मौत निश्चित है क्योंकि जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकल सकती है तो एक इंसान भला वहां से कैसे बचकर निकल सकता है। और ब्लैक होल 4 टाइप के होते हैं जिसमें सबसे पहला है स्टेलर ब्लैक होल, और यह वह ब्लैक होल होते हैं जो कि स्टार के कोलैप्स से बनते हैं, और यह ब्लैक होल साइज में बहुत बड़े नहीं होते हैं। नंबर 2 प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, यह वह ब्लैक होल होते हैं जो कि एक आइटम जितने छोटे होते हैं
लेकिन इनका मास एक पहाड़ के वेट के बराबर होता है। नंबर 3, सुपर मैसिव ब्लैक होल। यह वह ब्लैक होल होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सेगेटेरियस ए। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चौथे टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है जिसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल का साइज स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में हो सकता है जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।